बड़े बड़े बिजनेसमैन व महापुरुषों की जीवनी हिंदी में। दोस्तों, आपके लिए आज हम योगी आदित्यनाथ जी की जीवनी संक्षिप्त में लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। जीवन परिचय। इनका जन्म 5 जून 1972 को पिछोर गांव यमकेश्वर तहसील पौधी गढ़वाल उत्तराखंड में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। योगी जी ने सन 1977 में टिहरी गढ़वाल के गजा के स्कूल से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। सन 1989 को इन्होंने ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12th पास करी और सन 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में BSc की अंडरस्कोर और इसी कॉलेज से MSc भी की। सन 1993 में योगी जी गोरखपुर आए और यहां उनकी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत वैद्यनाथ जी हुई। महंत वैद्यनाथ जी इनके जानकार थे। योगी जी ने वैद्यनाथ जी से दीक्षा ले ली और सन 1994 सन्यासी बन गए, जिसके चलते इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। महंत वैद्यनाथ जी की मृत्यु के बाद योगी जी को गोरखनाथ मंदिर का महंत बना दिया गया। सन 1998 में योगी जी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। 12वीं लोकसभा चुनाव में वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस समय उनकी उम्र केवल 26 वर्ष की थी। 1999 के लोकसभा चुनावों में वो दोबारा सांसद चुने गए। उसके बाद वो सन 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा में चुनाव जीतकर गोरखपुर से सांसद चुने गए। योगी जी गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए हैं। शिक्षा। योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिक शिक्षा अंडस्को गजा गांव के स्कूल से हुई और 10वीं कक्षा भी इन्होंने यहीं से की। इसके बाद सन 1989 में 12वीं कक्षा ऋषिकेश के भरत इंटर मंदिर कॉलेज से की। योगी जी ने गढ़वाल HNB विश्वविद्यालय से साइंस में स्नातक की है। योगी जी जब स्नातक कर रहे थे, वे तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। योगी जी ने हिंदू युवाओं को साथ लाकर एक हिंदू संगठन का भी निर्माण किया है। ये संगठन किसी न किसी विवाद में उलझा रहा है। पुलिस ने इस संगठन पर मऊ में हुए दंगों का आरोप लगाया। ये दंगे मुख्तार अंसारी नाम के विधायक के खिलाफ थे, जिन्होंने BJP के एक विधायक की हत्या कर दी थी। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक जीवन। योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार गोरखपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगी UP BJP के बड़े चेहरे माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ 2014 में 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। योगी के गुरु वैद्यनाथ ने सन 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे, तो वह सबसे कम उम्र के सांसद थे। वो 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। विवाद। 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वे बाल बाल बच गए। ये हमला इतना बड़ा था कि 100 से अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान तब गिरफ्तार किया गया जब मुस्लिम त्योहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवा की जान चली गई। जिलाधिकारी ने बताया कि वह बुरी तरह जख्मी है। तब अधिकारियों ने योगी को उस जगह जाने से मना कर दिया, परंतु आदित्यनाथ उस जगह पर जाने को अड़ गए। तब उन्होंने शहर में लगे कर्फ्यू को हटाने की मांग की। अगले दिन उन्होंने शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की, लेकिन जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। आदित्यनाथ ने भी इसकी चिंता नहीं की और हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। आदित्यनाथ को CRPC की धारा 151A, 146, 147, 279, 506 के तहत जेल भेज दिया गया। उन पर कार्यवाही का असर हुआ कि मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे फूंक दिए गए, जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। ये दंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और 3 मंडलों में भी फैल गए। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन जिलाधिकारी हरिओम और पुलिस प्रमुख राजा श्रीवास्तव का तबादला हो गया।
कथित रूप से आदित्यनाथ के ही दबाव के कारण मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार को ये कार्यवाही करनी पड़ी। दोस्तों, हिंदुस्तान के बड़े बड़े महापुरुषों व बिजनेसमैन की जीवनी के साथ साथ विदेशी महापुरुषों के जीवन की संक्षिप्त जीवनी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की जीवनी लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।